हिमाचल कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने 5000 से अधिक पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं बैठक में अग्निपथ योजना को लेकर भी चर्चा हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार अग्निवीरों को नौकरी सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने विभिन्न स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त आईटी शिक्षकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2022 से 1000 रुपए प्रतिमाह की वृद्धि करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में जल शक्ति विभाग की पैरा वर्कर नीति के अनुसार राज्य भर में विभाग की योजनाओं के लिए विभाग में 3970 पैरा वर्कर, इसमें 1146 पैरा पंप ऑपरेटर, 480 पैरा फीटर और 2344 मल्टीपर्पज वर्कर को मानदेय आधार पर 6 घंटे प्रतिदिन काम करने पर रखने को स्वीकृति प्रदान की गई। कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग में पंचायत सचिवों के 389 पदों को कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने को मंजूरी प्रदान की। कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायक के 124 पद सृजित करने और कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा 40 पद अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने नवगठित ग्राम पंचायतों में चयन समिति के माध्यम से ग्राम रोजगार सेवकों के 124 पदों को भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। कैबिनेट ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में पुलिस कर्मियों के 73 पद सृजित कर भरने की अनुमति प्रदान की। कैबिनेट की डिटेल खबर पढ़ने के लिए EWN24 न्यूज़ की वेबसाइट पर जाएं।